तीसरा ब्याह कर जी, ठीक है जी जी, तीसरा भी मान ले अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा शरीर है जी जी, लोग कह रहे पांचवा छठा हो गया आधार कार्ड नहीं बनवाते भाई। बिल्कुल बिल्कुल, सभी भाइयों को नमस्कार, सभी का स्वागत करते हैं जी आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। मैं आपका अपना मनजीत यादव आज फिर से किसान साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। और काफी टाइम के बाद इतने शानदार जो पशुधन देखने को आप पशुपालकों को मिलेगा, अब तक रूटीन से वीडियोज हैं वो आ रही हैं और हर कोई पशुपालक अपने पशुधन की जो है खूबियाँ दिखाने पर है, लेकिन आज आपको इतना शानदार पशुधन हम एक ही फार्म पे एक ही जगह पे दिखाएंगे और काफ़ी जानी पहचानी जगह हम कहेंगे, क्योंकि एक ऐसा फार्म आप मान सकते हैं जहां पे कोई भी पशुपालक किसी भी बजट का जो पशुधन है वो यहां से खरीद सकता है। तो डिटेल से जाने, ओनर से मिलवाएं, उससे पहले जितने भी पशुपालक भाई वीडियो को पहली बार देख पा रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचता रहे। काफ़ी पुराना फार्म हम कहेंगे, लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, काफ़ी पशुपालक बीच में आए और वीडियोज़ में दिखाई नहीं देते लेकिन शुरुआत से टिके हुए हैं और अच्छे पशुपालकों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। आज की वीडियो लेके आ रहे हैं जी किसान डेयरी फार्म से सजन भाई को आप कैमरे के सामने देख पा रहे हैं जो समय समय पर काफ़ी अच्छा पशुधन आपको जो है दिखाते हैं, एक बार आपको मिलवाएंगे। उससे पहले इनका जो एड्रेस है वो भी जानेंगे इनसे। नमस्कार सजन भाई, ठीक हो? बढ़िया जी, आज तो आपने ये मानिए कि नगीनी तलाश के लेके आए हो भाई मंजीत, कोशिश यही रहेगी आगे भी। अच्छा, आगे आप ब्रीड पे काम करने की कोशिश कर रहे हो, अच्छी ब्रीड चीज मिले तो मंजीत तेरे को ही कर ले। बिल्कुल बिल्कुल, पीछे का कंफर्म हो जी जी, नहीं तो कहने का तो सारी 575 है भाई जी। तो आज सबसे पहले जो नए किसान साथी देख रहे हैं, एड्रेस एक बार आप दोबारा बता दीजिए भाई। गाँव मेरा मदीना है जी, तहसील मैम है जी, और जिला रोहतक है। रोहतक से अपना कितनी दूरी पे है? रोहतक से पड़ जाता है, अगर आउटर बाईपास आए तो 20 से 22 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर पड़ता है मैम से। जी जी, तो शुरुआत करते हैं जी इस मुर्रा भैंस हम कहेंगे एक किस्म की अथनी आप मान सकते हैं, इसी से शुरुआत करते हैं। कौन से ब्यात में है? मंजीत भाई इसका दूसरा ब्यात है जी, ठीक है जी जी, तीसरा भी मान ले अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, शरीर है जी, क्वालिटी है, हर चीज है जी जी। अब वो एक पिछली साहिल भाई की वीडियो पे ऐसा आई थी जी जी, लोग कह रहे पांचवा छठा हो गया आधार कार्ड नहीं बनवाते भाई। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा खिलाता तो दांत रुक भी जाता उसमें जी जी। कितने दिन की ब्याई हुई है? ये आज होगी 8 दिन की ब्याई। और साथ में बच्चा क्या है? बच्चा आपकी बार में कटड़ी है, कटड़ी है। आज मौके पे कितना दूध तैयार है? 15 किलो तोलने का है भाई, 15 किलो दूध जो है कांटे के तोल का जो तैयार है, साथ में फीमेल काफ। और बात करें ब्यूटी की तो बेजोड़ जो है, जो इस जोटी में आपको ब्यूटी देखने को मिल रही है, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइट और लेंथ जो शायद कम देखने को मिलता है पशुपालकों को। बार बार वीडियोज में बहुत सारे पशु आते हैं, आप मानिए कि बुल है वो भी इस पशुधन के सामने कहीं ना कहीं छोटा पड़ रहा है। और अभी 15 किलो दूध से उठी है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत अच्छा जो दूध ये पशुधन निकालेगा। और जो रिकॉर्ड होल्डर भैंसे हैं वो भी 14-15 किलो दूध से ही उठती हैं, साथ में फीमेल काफ। ब्यूटी की बात करें बिल्कुल छोटा सीन, बहुत ही हैवी साइज की हम ये भैंस आपको दिखा रहे हैं। रोक ले एक बारी, ये देखिए जी थनों की क्वालिटी, आर्डर की क्वालिटी बहुत ही शानदार। अभी थोड़ी बाई वगैरह भी उतार रखी है, साथ में भाई ये कटड़ी है, साथ में ये देखिए जी फीमेल काफ। ब्रीडिंग पर्पज से काफी सारे पशु जो है पशुपालक बता देते हैं, लेकिन इस जोटी का एक अलग ही रुतबा है खड़ा होने का, या बात करें अच्छे दूध से भी साथ में उठी है। तो सजन भाई क्या कुछ उम्मीद है, इस बार कितना दूध कर देगी जोटी? उम्मीद 20 की लेके मांग के लेके आए हैं जी, भाई जिस भाई के पास से उनका भी दावा यही है जी जी, 20 प्लस नॉर्मल देगी, 20 प्लस हाँ, 18-18.5 किलो उसका पिछले ब्यात का रहा है जी जी। साथ में कटड़ी सीमन की है, कटड़ी सीमन की है, ये भी M29 की भाई ने बताई, बोला अगर आपको चाहिए डिटेल प्रूफ चाहिए तो वो भी दे देंगे जी जी। और ये कटड़ी इसके पिछले ब्यात की है जी, कटड़ी आज ये मान के चलो मेरे भाई मार्केट में घूमेंगे मंजीत, इस कटड़ी की वैल्यू अगर ओरिजिनल M29 है जी जी, रेट ही नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो कितने महीने की होगी ये? उस भाई ने बताया 15 महीने के आसपास जी जी हाँ। तो मान के चलिए
काफी बार पशु लेट प्रेग्नेंट होता है तो काफी भाई ये काउंटिंग करते हैं कि पिछले ब्यांत की है तो 14-15 महीने की उम्र में देखिए आप M29 की एक कटड़ी। मंजीत एक ही घर से आए हैं दोनों। जी जी, और यहाँ से आप देख सकते हैं जी बहुत ही शानदार जो ओरिजिनल M29 की कटड़ियां बहुत सारी पशुपालक जो है बताते हैं और वो मिलती नहीं, लेकिन ओरिजिनल M29 की तो क्वालिटी अलग है जी। देखिए क्योंकि एक समय था जिस टाइम पे M29 के जो सीमन है वो बहुत ज्यादा तादाद में पशुपालकों ने लगवाए थे, आज उनका रिजल्ट आप सामने देख पा रहे हैं। आज अगर इतनी बड़ी है कटड़ी की माइनस निकलेगा ही नहीं। जी जी, अगर ब्यूटी आज कंपटीशन हो तो ब्यूटी में मैं कहूंगा कटड़ी का कोई जोड़ नहीं है। सींग क्वालिटी बिल्कुल, छोटा सींग, छोटा हेड, पीछे से काफी ज्यादा चौड़ी, और कलर आप मानिए शायद अब तक बहुत सारी हीफर लोगों ने दिखाई है और हम कवरेज भी करते हैं, ये कलर आपको बहुत कम आप मानिए मिलता है। काफी बार तेल लगा के या कटिंग वगैरह करके दिखाते हैं, लेकिन जो नेचुरल कलर इस कटड़ी का है वो आप पशुपालकों को देखने को मिल रहा है, बिल्कुल एक काले नाग की तरह ब्लैक कलर इसका जो आप भाइयों को दिखाई दे रहा है। साथ में किसी भी पशुपालक ने आज तक भैंस नहीं दिखाई है, सभी M29 की बताते हैं, और इस बार जो कटड़ी है वो भी M29 की ही सीमन जो है जहां से परचेज किए उन्होंने लगवाया हुआ है, और बेजोड़ मैं कहूंगा ये जो एक ये जोड़ा सेम उसका है। जी, जो कटड़ी इसके साथ में आई है। जी जी, सेम इसकी तरह पे वो कटड़ी है। बिल्कुल जी, आप मानिए भैंस सीमन बुल पे बच्चे लेके जा रही है अच्छे, और दूध की लाइन की खुद होगी तो कोई भी पशुपालक जो है परचेज करेगा तो एक लॉस का सिस्टम हम नहीं मान सकते। 20 किलो दूध की उम्मीद भाई का मानना है इस बार नॉर्मली निकालेगी, और ब्रीडिंग के लिए कोई पशुपालक लेना चाहता है तो हम रेकमेंड करेंगे, भैंस आराम से खरीद सकता है। इधर बात करें और भी भैंसे हैं भाई के पास, काफी अच्छे अच्छे पशु अब की बार दिखा रहे हैं एक ही वीडियो में इतने शानदार। पहले नंबर पे अब हमने आपको जो भैंस दिखाई उसकी कटड़ी साथ में थी, आगे एक और जोटी, ये सजन भाई मंजीत भाई पहले भी हाथ में है। जी, छह दांत है मुझसे। जी, मेरे को भाई ऐसे देख के बोले कि दो दांत आदम, ये छह है। जी जी, और वह ही पहली बार, पहली बार तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन पीछे से आई उसकी तरह पे मैं बता रहा हूँ भाई। जी जी, घर की होगी तो थप्पा लगा गारंटी ले। जी, खोलना एक बारी, फर्स्ट टाइमर बच्चा देगी, बिल्कुल छोटा सींग है, और कलर आप इस जोटी का भी देख सकते हैं। अब की बार तो आप मानिए जो फार्म पे पशु हैं शायद इससे पहले वीडियो में सभी के सभी पशु काफी शानदार। जी ये देखिए, बिल्कुल छोटा सींग है, आगे से छोटा हेड, और जो पीछे से जब आते हैं तो जोटी काफी गहरी हो जाती है, पीठ पुट्ठा काफी चौड़ा, और जो गर्दन की लंबाई, ब्रीड करेक्टर अगर देखते हैं तो सभी के सभी पशु काफी शानदार। ये देखिए जी, जो अभी पहली बार बच्चा देगी और जो ऑर्डर की क्वालिटी का विकास अभी से इस जोटी ने स्टार्ट किया है वो काबिले तारीफ, ये देख सकते हैं जी, और छोटे से छोटा सींग है जी। अब की बार तो मानिए कि बात भाई की सही है कि सभी के सभी ऐसे मिले तो हम तो सारी ऐसी लेके आए, लेकिन काफी कम सिलेक्शन ऐसे पशुओं का एक साथ हो पाता है। ले चलो, स्वभाव वाइज भी बहुत ही ठंडी है, मान के चलो भाई बहुत ही ठंडी है। अभी फार्म पे आई है उसके बावजूद आप ये देख सकते हैं जो स्वभाव या इसकी जो ऑर्डर की क्वालिटी है, थनों की क्वालिटी है बहुत ही शानदार। ये देखिए जी, कहीं बांधने की जरूरत नहीं है इसको। जी जी, ये रख दिया जोड़ा, कहीं हाथ लगा लो बिल्कुल कैसे भी। जी जी, ये देखिए जी, थन भी बहुत अच्छा निकाल रही है, क्योंकि छह दांत में ज्यादा जब एज होती है तो अच्छा ऑर्डर का विकास होता है, शरीर है वो संपूर्ण रूप से जो विकास कर लेता है, लेकिन जब पहले ब्यांत किया दंत या दो दांत बच्चा देती है मोस्टली भैंसे बच्चा भूल जाती है, क्योंकि कम एज में एक स्ट्रेस जो होता है पशु में उसके कारण। लेकिन जोटी ये भी काफी अच्छी है, आगे तो कैसे हाथ लगा लो मंजी। जी जी, ले चलो बांध लो इसको, ये नहीं बहुत ही ठंडी है जी, स्वभाव वाइज बहुत ही शांत, खुला छोड़ रखा है, लगभग पशु खुले छोड़ के दिखा रहे हैं। 17-18 तारीख को इसका टाइम पूरा होगा भाई, 17-18 तारीख तक और भी अच्छा ऑर्डर बनाएगी। जी जी, और भी अच्छा जो ऑर्डर है वो देखने को आप पशुपालकों को मिलेगा, करीब से दिखा रहे हैं जी, देखिए बहुत ही साफ सुथरा स्वभाव। आप मानिए पहले ब्यांत की जोटी हाथ भी नहीं लगाने देती, लेकिन ठंडी बहुत, उस दिन तो चीज कुछ और है। बिल्कुल जी बिल्कुल,
और दूसरी बात तो सबसे हम यही मानते हैं कि सब आउट ही को पशु। जी जी, तो सजन भाई आगे दूसरे तीसरे नंबर वाली है, ये दूसरे ब्यात की है, दूसरे ब्यात की। हाँ। इसको कितना टाइम हो गया बच्चा दी? 6-7 दिन की। 6-7 दिन। हाँ। इसमें कितना दूध तैयार है अभी? 13 किलो। 13 किलो दूध। साथ में बच्चा क्या है? बच्चा इसके पटड़ी है भाई। ये देखिए जी, दूसरे ब्यात की जोटी, ये भी जो है जोशीले आर्डर की, छोटे सींग की। और इसके मामले में अब की बार ये मानो सारे पशु बढ़िया भाई। जी जी, 13 किलो दूध, पीठ में हर पशु अच्छा है। 13 किलो दूध है और आर्डर जो है बहुत ही जोशीला, पैर के बीच का टाइट, साथ में फीमेल काफ। बहुत सारे पशुपालक जो है कटड़िया यहाँ से लेके जा रहे हैं, लेकिन उनकी मदर का रिकॉर्ड कुछ पता नहीं होता। आज 13 किलो दूध है, आप मानिए अच्छा दूध निकालेगी, साथ में ब्यूटी भी है। और दूध वाली जो बात आ जाती है सींग की, इसमें चाहे पहला ब्यात कह लो। जी जी, लेकिन एक्चुअल में जो है वो है भाई। बिल्कुल, जो पश्मी है जोटी की वो दूध वाली लग रही है जी, टाइट लेवे की। ये देखिए जी, चाल डाल, थन क्वालिटी, थनों में स्पेस या लेवे का जोश आप अभी से देख पा रहे हैं। जब पूरे दूध पे जाएगी तब तो आप मानिए और भी जोशीला जो है लेवा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो पैर के बीच का आर्डर होता है टाइट, उसे हम अनुमानित नहीं कर सकते कि वो कितना दूध निकालेगी। ये देखिए जी, लेकिन है पूरा, जितनी है उतनी बहुत ही साफ सुथरी नीचे से। और आगे इनके फार्म का एक छोटा बम बड़ा धमाका हम कहेंगे इसको लास्ट में। मंजीत भाई, इसको ऊपर से तो कोई ना देखे तो ठीक है। जी जी, इसने बच्चा दिया था। हाँ। कंप्लीटली नहीं है। हाँ हाँ हाँ। पर अगर नीचे से कोई देखेगा ना भाई, जिसको थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी। जी, कौन से ब्यात में? ये तीसरा ब्यात है भाई। जी जी, किसी मालिक के पास थी, उसने केयर नहीं कर रखी भैंस की। केयर होती तो शायद हम लोगों को इस रेट में भी नहीं मिलती। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए जी, 4x4 ऑर्डर बिल्कुल फंसी हुई है। अभी बच्चा दिया है, जेर भी नहीं डाली है। और थन ऑर्डर एक ऐसी चीज है पशुधन की जो सब चीजों को पीछे छिपा देती है, क्योंकि अच्छा खिलाएं पिलाएं तो सभी के जो पेट में पैर होते हैं अच्छी तैयार भी हो जाएगी, लेकिन जो नीचे का सिस्टम है वो नहीं मिलेगा जी। ये देखिए, एक बात और है मंजीत। जी जी, स्वभाव के मामले में अगर जो की 5-4 दिन पहले भी आ जाती ना, जी जी, तो कुछ और ही बनती। बिल्कुल बिल्कुल, ये आई थी, आते ही इसने बच्चा दिया है। जी जी, बच्चा देने के कारण भी थोड़ी कमजोर दिखाई पड़ जाती है भाई। जी, पर जो नीचे का पोजीशन है मेरे भाई, 2-2.5 लाख के पशु मेरा मिले। बिल्कुल बिल्कुल, फंसी हुई है। और थनों की क्वालिटी बहुत ही शानदार है जी इसकी। ये देखिए, जब एक बार अच्छी खासी भैंस, तंदुरुस्त भैंस भी बच्चा देती है, वो भी लिस्सी लगने लग जाती है, लेकिन इसने पहले कमजोर है और ऊपर से काविंग की है उसके बावजूद भी। साथ में कटड़ी, साथ में कटड़ी, बहुत ही जो लेवे का सिस्टम है वो चारों तरफ से अगर देखें तो पोजीशन नहीं मिलेगा जी आपको, 2 लाख वाली भैंस का भी नहीं मिलेगा। तो क्या रेट रखा है? रेट वगैरह तो हमने आज साथ में पूछा ही नहीं आपसे। नेट 80,000 रुपए की देनी है। 80,000 रुपए फिक्स रेट इसका देने का है। ये देखिए, 15 किलो दूध की रिपोर्ट मेरे पास आई है जी। अब मालिक जाने आगे क्या करेगी। जी जी, 80,000 रुपए इसका प्राइस रखा है। 95,000 की ये जोटी है। 95,000 की। हाँ। 95,000 रुपए इस जोटी का रखा है, काफी अच्छी जो इसको मुझे तो वही बात है, आपको नजदीक लग जाएगी। बिल्कुल जी बिल्कुल, उम्मीद पे अच्छी आई है भाई। बिल्कुल। हाँ। तो सजन भाई का जो संपर्क सूत्र है वो रेगुलर चल रहा है, कोई भी पशुपालक इन पशुओं के बारे में जानना चाहता है। एक बात बोलनी थी। जी जी, कई दिन से अमन में जी वीडियो डलती है भाई। जी, कोई भाई बोलता विश्वास करो आपके लिए हम ये है वो है, फलाना ढिमकाना, सो बातें होती है। बिल्कुल बिल्कुल, 3 बार हो चुका है भाई जी, बहस हमारी कन्फर्म हो, फिर 2 दिन के बाद जब उनके भरोसे रुक जाते हैं ना, फिर फोन उठाना बंद। जी जी, तो रिक्वेस्ट है भाई, जिसको लेनी हो तुरंत पैसा डाल ले, कन्फर्म करे, टोकन मनी डाल के अपनी फाइनल कर। अगर बहस फैल होते हो अपने पैसे लो। जी जी, जिम्मेवार। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है, लेकिन ऐसा काम ना करो कि भाई आपके भरोसे किसी और का घाटा हो। जी जी, कई तो ऐसे फौजी बन के बात कर रहे हैं यार। बिल्कुल बिल्कुल, 3 बार हो चुका है, फौजी है ड्यूटी पे, लाइव मिल्किंग दिखाने की कोशिश करते तो फोन नहीं उठाते। जी, तो बचो भाई उनसे। तो जो भी किसान साथी खरीदना चाहता है अपने पशु, बुक करें, टोकन मनी डाल के आके देखें, अगर फेल होती है तो पेमेंट भाई ने कहा वापिस की जाएगी। काफ़ी अच्छा जो पशुधन इन्होंने फील्ड से सिलेक्ट किया, इतने अच्छे पशु नहीं निकलते, काफ़ी कम मिल पाते हैं, और एक साथ सभी के सभी पशु जो है बहुत अच्छी क्वालिटी के दूध के, और मैं कहूँगा एक मिल्क ब्यूटी का जो लाजवाब कॉम्बिनेशन। इधर कोई भाई कंपटीशन लड़ने के लिए हीफर लेना चाहता है, क्योंकि आगे सर्दी का टाइम है, कंपटीशन जो है आ रहे हैं ब्यूटी कंपटीशन के लायक, जो हीफर
सामने आप देख पा रहे हैं। तो जितने भी भाई जुड़े हैं जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें ताकि और पशुपालकों तक भी पहुंचे जो अच्छा पशु देखने के शौकीन हैं। सभी भाइयों को वीडियो की लास्ट में मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम।